मेरी ना समझ के बाहर है, मुझे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि पंजाब के एक छोटे से दूध वाले ने 50,000 करोड़ रुपए का स्कैम कर डाला, 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को फंसा दिया, 1.83 लाख एकड़ जमीन का मालिक बन गया। ये था PACL स्कैम, कोई इसको पर्ल स्कैम कहता है, कोई इसको पल्स स्कैम कहता है, और ये काफ़ी जगह फैला था, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में, छोटे से बड़े लेके शहरों में, गांवों में, आसपास के रिश्तेदार दोस्तों सबको फंसा दिया। ये स्कैम का फ्यूचर क्या है, पास्ट क्या था, आज की तारीख में क्या सिचुएशन है, किस तरह से बहुत सारे एजेंट्स बनाए गए, उन एजेंट्स को कहा गया कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसा लेके आओ, आपको भी कमीशन मिलेगा, उनका भी फायदा होगा, आज इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे लोग भी जिनसे हमने बात की जो इस पूरे के पूरे PACL स्कैम में फंसे थे। एक एजेंट से भी हमने बात की जो अनजान था कि उस वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, वो एजेंट को क्या कहा गया था, उस एजेंट की भी आप बीती सुनिएगा PACL स्कैम के बारे में ये डिटेल वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। चिटफंड कंपनी PACL की हेरा फेरी के आरोपों में फंसी PACL कंपनी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। PACL के डायरेक्टर अनिल चौधरी को हरियाणा के भिवानी से गिरफ्तार किया। PACL चिटफंड कंपनी के पर्ल ग्रुप की 47 गाड़ियों की नीलामी हो रही है। तो इस 50,000 करोड़ के स्कैम की शुरुआत होती है पंजाब के एक छोटे से गांव अटारी से। अटारी अमृतसर के पास है, पाकिस्तान बॉर्डर के साथ लगता है। अब इस गांव में एक इंसान था निर्मल सिंह भांगू, जो कि एक वक्त पर साइकिल पर लोगों के घर जा जाकर दूध बेचा करता था। एक पॉइंट इन टाइम पे आके ये हरियाणा पहुंचा। हरियाणा में इसने एक कंपनी ज्वाइन की, गोल्डन फॉरेस्ट लिमिटेड। अब एक कंपनी खुद ही जालसाजी करती थी, स्कैम करती थी। यहाँ पे आके उसको पता लगा कि किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, और जालसाजी के साथ इस निर्मल सिंह भांगू का कनेक्शन बन गया। अब आगे चल के निर्मल सिंह भांगू ने अपनी ही एक कंपनी बनाई, नाम रखा PACL, पर्ल एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड। कहने को तो ये रियल एस्टेट कंपनी थी, लेकिन लोगों के पास जाते थे और एक्चुअल में गेम कुछ और था। लोगों को कहते थे कि आप हमें पैसा दीजिए, हम आपके पैसे को अनडेवलपमेंट लैंड, मतलब जहां ऐसे ऐसे जमीन है जहां पे कुछ खास बना नहीं हुआ है, उस एरिया को हम डेवलप करेंगे, उसमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, और आपके पैसे को हम 12.5% के रिटर्न के साथ वापस करेंगे। आप चाहें तो वो जमीन जिसमें आपने पैसा लगाया है उसको भी रख सकते हैं। अरे शुरू शुरू में तो उन्होंने लोगों को कहा कि आप हमारी इस इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए, आपको हम 6 साल के अंदर पैसा डबल करके देंगे, 10 साल में 4 गुना, और शुरू शुरू में लोगों को दिखाने के लिए एक्चुअल में पैसा बड़ा चढ़ा के वापस दिया भी। अरे स्कीम को देखने के बाद लोग कहते कि यार ये PACL में पैसा नहीं लगाया तुमने, लगाना चाहिए। रोग रिश्तेदार एक दूसरे को कहते कि यार ये मैंने बहुत समय से पैसा लगा रखा है, मेरा इतना रिटर्न आ चुका है, मैं अपने पैसे की इन्वेस्टमेंट करता हूं। अब इस चक्कर में इतना वर्ड ऑफ माउथ के कारण इसका नाम इतना बढ़ गया कि लोग एजेंट बनने शुरू हो गए। कंपनी ने भी कहा कि आप एक काम करो, आप और लोग लेके आओ, हम आपको जितने भी पैसे आप लेके आएंगे उसका 20% कमीशन आपको देंगे। अब लोगों को लगा अरे मैंने अपना पैसा लगा ही रखा है, मैं लोगों को भी लगा लेता हूं, और लोग मेरे पे विश्वास करते हैं, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे जान पहचान वाले। और इस चक्कर में लोग आपस के ही रिश्तेदारी में, दोस्ती यारी में अपना पैसा देने लगे, क्योंकि यार इसने पैसा लगा रखा है तो मैं भी लगा देता हूं, और सब मिलके पैसा रिटर्न के साथ कमाएंगे। अब 6 से 7 साल के अंदर इस 20% के कमीशन को देखते 6 से 7 लाख एजेंट बन गए। अब होता यह था कि उस जमीन को खरीदा जाता, जमीन शुरू में बढ़ती और उसके बेस पे उसको रिटर्न भी दे जाता 12.5% का। अब ऐसे बहुत से एजेंट थे, उनमें से एक एजेंट के साथ हमने बात की, और उस बात में आप समझ जाइए, कुछ कॉन्वर्जेशन को समझ जाइएगा कि किस तरह से उनको बहलाया जाता था, फुसलाया जाता था, और उनको ही बेवकूफ बनाया जाता था कि किस तरीके से आपने आगे चल के अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बेवकूफ बनाना है। देखिए ये कॉन्वर्सेशन। सो वसीम, आप भी एक एजेंट थे फॉर PACL, तो थोड़ा क्विकली बताइए कि ये कब हुआ आपके साथ, और किस सिचुएशन में आपको क्या बताया गया कि आप एजेंट बन गए? जी एक्चुअली मेरे जो सर थे जिनसे मैं पढ़ाई करता था, उस समय मैं इंटरमीडिएट में था, तो उनके द्वारा बताया गया कि एक PACL ये है कंपनी है जो कि इंश्योरेंस ये प्रोवाइड करवा रही है, बहुत ही अच्छा है, तुम आके इसमें ज्वाइन कर लो। तो मेरे सर थे तो मैंने उनके बात मान करके उसमें ज्वाइन कर लिया। करीब 2012 की बात है। 2012 की बात है जी। कहाँ से हैं आप वैसे? हम बिहार से हैं सर। तो बिहार में स्पेसिफिकली कोई शहर का नाम? जी छपरा जिला है वो। छपरा जिला, ओके। तो जब आप, आपके टीचर ने आपको बताया जिन पे आप विश्वास करते थे, तो जब आप बन गए एजेंट जी, तो आपके अलावा भी आपके जान पहचान के लोग थे जो एजेंट बने हुए थे? जी हाँ जी हाँ, हमारे फ्रेंड सर्कल में लगभग 5-6 हम लोग दोस्त थे जो कि। अच्छा, ओके। और आपका काम क्या होता था? हम लोग को इंश्योरेंस करवाना होता था, उनका इंश्योरेंस करवाना होता था, उससे हम लोगों को कमीशन मिलता था। अच्छा, इंश्योरेंस करवाते थे जी। तो चेक नहीं करते थे यार कौन सी इंश्योरेंस हो रही है, क्या इंश्योरेंस कंपनी सही है जी? वहाँ पे सर दिखाया गया था, हम लोग विश्वास, एक तो विश्वास किए कि हमारे सर हैं जो कि जब इतना ये कर रहे हैं तो उन पे विश्वास था, तो एक्चुअली उनके वजह से हम लोग आ गए। और जब हुआ तो कितने पैसे का आप करवा चुके थे?
अप्रोक्सीमेट 7-8 लाख रुपए करीब। वाओ, तो ये जो पैसा लगवाया आपने तो कंपनी ने दिया वापस थोड़ा बहुत? नहीं, अभी तक तो किसी को नहीं मिला, एक रुपया भी नहीं दिया कंपनी को अभी तक किसी को नहीं मिला। मीन्स 5,000 रुपये से स्टार्ट किया है कंपनी, हमको सुनने में आया है कि 5,000 रुपये शायद मिल रहा है, कुछ प्रोसेस करना पड़ रहा है, 5,000 रुपये मिल रहा है। तो 5,000 का ऐसा कुछ मैंने डिपॉजिट नहीं करवाया है, जितने भी डिपॉजिट हैं बड़े बड़े डिपॉजिट हैं इसके वजह से इसमें अभी हमको कुछ ये नहीं मिला। तो फिर लोग जो इसका करवाया आपने वो आपको क्या कह रहे हैं? जी सर, मतलब उन लोगों का कॉल आता है देख के तो आदमी ये हो जाता है कि उसका जवाब हम क्या देंगे। हाँ। बट यही हम उससे उन लोगों से कहते हैं कि अब कंपनी ऐसा की है, इसका पैसा रिकवर बहुत जल्दी हो जाएगा, प्रोसेस में है, आप लोग थोड़ा सब्र कर लीजिए। तो बट आप भी जिम्मेवारी नहीं ले सकते क्योंकि एक तरह से आपको भी बनाया गया था थोड़ा। जी 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 बिल्कुल। बट एट द सेम टाइम थोड़ा तो इज्जत लेवल पे भी मुश्किल आई होगी। बहुत बहुत, मतलब उन लोगों के सामने जाने में हमको बहुत ही शर्म फील होती है, इसलिए उन लोग से हम। कौन है ये लोग? ये जितने दोस्त भी हैं। हाँ, दोस्त यार भी हैं, रिलेटिव्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स हैं। जी, क्लोज रिलेटिव भी है कुछ, मतलब रिलेटिव के रिलेटिव हो गए, उन लोगों का भी करवाया है मैंने। तो गांव में तो बात जब बहुत जल्दी फैल जाती है तो आपका जी, नाम। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मीन्स कंपनी, जैसे हम लोग दूसरे दिन कंपनी में गए, एक डेट, कोई डेट हमको उतना याद नहीं है, बट एक दिन पहले हम कंपनी में गए हुए थे। जब दूसरे दिन जा रहे हैं काम के सिलसिले में तो देख रहे हैं कि ताला लॉक हो गया और वहाँ पे ये जो सील कर दिया, सीज होता है वो सीज कर दिया गया था। तो आप को तो समझ नहीं आया होगा कि क्या है ये? समझ में नहीं आया। फिर अपने सीनियर के पास गए, बोले कि क्या हो गया, तो वो बात सीनियर को भी पता नहीं था, हमारे थ्रू उनको पता लगा, रातों रात ऐसा हो गया था। तो होपफुली लोग सीखें एग्जांपल से, और हमारा काम है एटलीस्ट इन चीज़ों को बाहर लेके आना। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच वसीम अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ज़रूरी होता है बहुत सारे लोगों को ये जानना कि एक्चुअल में जिसने जिसके साथ हुआ जी, जी, जो पैसे के लेवल पे, इज्जत के लेवल पे अपना दांव खेल चुका जी, है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। अब देखा आपने कि किस तरीके से एक भोले वाले लोगों को एजेंट बना दिया जाता था और उनको कंपनी का चेहरा बना के दुनिया के आगे रिप्रेजेंट किया जाता था कि यही लोग PSEL हैं, इन पे विश्वास करते हैं अगर आप, तो आपको हम पे विश्वास आ जाएगा। और असली बात तो यह है कि जो भी ज़मीन खरीदी जाती थी उसका कोई सेल्स डीड नहीं बनाया जाता था, तो जब भी कोई भी इन्वेस्ट करता उसको पता ही नहीं होता था कि पूरे इंडिया में जो भी ज़मीन उसको अलॉट की गई है वो कौन सी है। लेकिन इन सब कारमाताओं के बीच में नज़र पड़ती है सेबी की, उनको लगता है कि ये जो आप कर रहे हैं एक्चुअल में गलत है, आप गारंटेड रिटर्न्स देने की बात कर ही नहीं सकते, आप कौन से प्लॉट ले रहे हैं, किसको अलॉट कर रहे हैं, ये सब का सब खुराफाती काम है। CIS कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत इन्होंने कहा कि आप चलो राजस्थान हाईकोर्ट, हम आपके खिलाफ केस दर्ज करते हैं। हाँ, PSEL ने इसके ऊपर जवाब दिया कि देखो भैया, हम तो रियल एस्टेट कंपनी है, CIS कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो हम पे एप्लीकेबल होता ही नहीं, हम आपके तहत आते नहीं, सेबी हमें कंट्रोल नहीं करती। यही बात राजस्थान हाईकोर्ट में कही गई और हाईकोर्ट ने कहा कि अब PSEL सही है, सेबी आपका जो मुकदमा है बिल्कुल वाजिब नहीं है, ये इसको डिसमिस किया जाता है। हाँ, और दिक्कत यह है कि इस केस के बाद PSEL की एक्टिविटीज़ और भी बढ़ गई, उनको खुली छूट मिल गई क्योंकि उनको पता लग गया कि हमारा तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता, सेबी भी कुछ नहीं कर सकता, हम जो कर रहे हैं उसके लिए हमें कोई नहीं रोक सकता, तो चलाओ गाड़ी। और PSEL ने इसके बाद रियल एस्टेट के अलावा मीडिया, टूरिज्म, एजुकेशन, मेडिसिन के फील्ड में भी अपने पैर पसारे। फिर 2010 से लेकर 2013 तक कबड्डी वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर किया। अरे, ऑस्ट्रेलिया में अपने एक होटल की प्रमोशन करने के लिए ब्रैटली को 2011 में अपना ब्रांड एम्बेसडर तक बना दिया। अब देखिए ये सब हो रहा है, ये सब दिक्कतें हो रही हैं, इतना फैंसी काम हो रहे हैं। इसके अलावा हमने कुछ लोगों से भी बात की जो PSEL के स्कैम में फंसे थे, किस तरह से लोग किस तरह की अवस्था से गुजर रहे थे, आज भी कितनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये स्कैम बस चलते जा रहा था। हैव अ लुक एट द कॉन्वर्सेशन। ये स्कैम आपके साथ कब हुआ था? सर, नियर अबाउट 2012 साल के करीब है ना, हमारे पापा वो कंपनी के लिए काम करते थे एज एन एजेंट। हाँ, एज एन एजेंट करते थे, ठीक वो है। भी उनका कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो जो हमारे आजू बाजू में जो कुछ और लोग थे ना, उनके जान पहचान वाले, पापा के जान पहचान वाले, वो लोग उनको फोर्स किया कि अच्छा है, ऐसा है, वैसा है। और वो लोग है ना उस टाइम LIC की बदनामी करने पे तुले थे कि देखो LIC में तुमको 30-30 साल तक प्रीमियम भरना पड़ता है, जाके तुमको इतना मिलेगा उतना मिलेगा, 25 साल का टेन्योर रहता है, 30 साल का रहता है, 40 साल का। हमारे यहाँ पे देखो 10 साल में 8 साल में पॉलिसी मैच्योर होती है, और तुमको इतना सारा रिटर्न मिलता है, इतना बेनिफिट, ऐसे उल्टी सीधे ऐसे झांसा देके उनको उनके साथ मिला लिया। करेक्ट, मिला लिया उनके साथ, उनके साथ एजेंट बनाया और उनके काम करने को उनको बोला। उनके साथ शुरू शुरू में उनको दिया वो लोग कुछ कमीशन वगैरह का, वो चेक वगैरह रहता है वो दिया वो लोगों ने कुछ, लेकिन
जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे वो लोग क्या हो गया, जिनका जिनका वो पॉलिसी का मतलब ये था ना मैच्योरिटी का डेट, वो पास आने लगा, उसके बाद वो लोग ये करने फोल्डिंग और रिसीव करना बंद करने लगे, इधर हमारे इधर आना बंद करने लगे। ओके हाँ, फिर जाके हमारे पापा ने उनसे पूछा ना कि क्या भाई तुम लोग तो बोले थे ऐसा है वैसा है, तुम लोगों के मतलब तुम लोगों ने कन्विंस किया इसके खातिर मैंने अपना मेरे दोस्त रिश्तेदार लोगों से पैसा इकट्ठा करके तुम्हारी कंपनी में भरा ऐसा वैसा, मतलब तुम्हारे लिए पॉलिसी खोला कंपनी के लिए तुम्हारे, लेकिन आज तुम लोग अगर ऐसा कर रहे हो तो ये लोग मेरा जीना हराम कर रहे हैं। और उसके बाद सच में यही हुआ, जो लोग थे जान पहचान वाले उन्होंने सच में हमारे पापा का जीना हराम कर दिया। वो खुद काम करके, हमारा इलेक्ट्रिक का दुकान है, खुद काम करके वो लोगों से जितना प्रीमियम इकट्ठा किया था सालों से जेब से देना पड़ता वो। बट कुछ आइडिया है कि कितना कर्जा चढ़ गया था? 2.5 से 3 ढाई 3 लाख रुपए। ओह माय गॉड। और ये हम बात करें 2012 की। हां 12-13 साल के करीब की उस टाइम की बात है। तो मतलब आज की तारीख में ये पैसा मतलब 7-8 लाख रुपए हो गया आज की तारीख का। थोड़ा समाज में इज्जत की बात भी आ जाती है ना, पैसा तो चलो इंसान चुका देता है, एक इज्जत वापस पाना बहुत मुश्किल है ना, वो भी नुकसान हुआ। रिश्तेदार लोग तभी करीबी लोग थे जिनसे उन्होंने पैसा इकट्ठा करके उधर भरा, आज वो वही लोग इतना तंग करते हैं क्या बताया आपको। और ये बातें आगे की आगे फैलती भी बहुत जल्दी हैं, तो एक बंदे का नाम भी एक इंसान का नाम भी बहुत उन्होंने हमारा पैसा खाया। हाँ, पर PSEL में कुछ लोगों के जिनका अमाउंट कम था, जैसे 2500 पे, बहुत कम अमाउंट है, लेकिन 2500 हो गया या 15000 पे तक का अमाउंट कुछ ना कुछ लेवल पे रिटर्न किया है एज पर मीडिया में, तो ये बात है, क्या ये सच नहीं है क्या? है ना, किया है कुछ लोगों, किया भी है वो लोगों ने रिफंड, लेकिन उन्होंने क्या किया था, वो किसी तरह का फिल्टर लगा के एक लिस्ट बनाया था किसको प्रायोरिटी रहेगी पहले पैसा मिलने। अच्छा, देखा आपने। बट इस सब के बीच में ना सेबी सो नहीं रही थी, सेबी ने फिर से इकट्ठे सबूत किए, उन्होंने उनको लगा कि हमें इस बार नया केस स्ट्रॉन्ग केस बनाना चाहिए, और इस बार वो PSEL को सुप्रीम कोर्ट तक घसीट के लेके गए। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि जो सेबी ने कहा था वो बिल्कुल सही है। सेबी ने कहा कि जो हमने आपको CIS का जो वो लगाया था ना वायलेशन, वो एक्चुअल में सही था, आप एक काम कीजिए 50,000 करोड़ रुपया सूद के साथ इंटरेस्ट के साथ सारे सारे इन्वेस्टर्स को वापस कीजिए, और साथ में आपके ऊपर मैं फ्रॉडलैंड एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस FUTP की रेगुलेशन के तहत आपके ऊपर वो भी केस लगाता हूँ, उसमें भी आपको अब जेल के अंदर जाना पड़ेगा, चक्की पीसनी पड़ेगी। और साथ में CBI भी आ गई, और निर्मल सिंह भांगू के साथ जो बाकी के लोग जो मैनेजमेंट में थे, जो प्रमोटर्स के लेवल पे आते थे, इन सब के ऊपर कॉन्स्पिरेसी, इन सब के ऊपर क्रिमिनल केस भी लगाए गए, और कहा गया कि आ जाओ बेटा अभी हम चेकिंग करेंगे। जब चेकिंग गई तो CBI ने पता क्या निकाला, CBI ने निकाला कि इनके पास 2,00,000 करोड़ रुपए की तो ज़मीन है, ज़मीन की वैल्यू बता रहे हैं सर, कि GDP नहीं है देश का, और साथ में 1300 बैंक अकाउंट है इनके पास, 280 करोड़ रुपए की FD है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, 14,000 प्रॉपर्टीज हैं इनके नाम पे, मतलब समझ से बाहर है, जैसे मैं शुरुआत में वीडियो में कहा था ना, समझ से बाहर है। अब इस सारे सारे मसले में जो लोगों के पैसे फंसे थे उनको वापस दिलाने के लिए, रिकवरी करवाने के लिए एक कमेटी बनाई गई, RM लोधा कमेटी, इनका काम था कि जो भी PSEL स्कैम में प्रॉपर्टीज़ हैं, एसेट्स हैं, इनको अटैच करना, उनकी ऑक्शन करवाना, और ऑक्शन करने के बाद ये जो लोग फंसे हुए थे धीरे धीरे करके फेज़ वाइज इनके पैसे वापस लौटाना। सबसे पहले शुरुआत आई उन लोगों की जिनके पैसे 2,500 रुपये या उससे कम के थे। ऐसे ही करके अगला एक स्लैब बनाया गया, पहले फेज में 1,79,000 के करीब इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाया गया, फिर एक और फेज बनाया गया उसमें 2,77,534 इन्वेस्टर्स का पैसा वापस लौटाया गया। तो शुरुआत में तो जो छोटे अमाउंट के पैसे थे 2,500, 5,000, 10,000 रुपए, वहां सब तक के वैल्यू के स्लैब्स के लिए जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनका, सिंस बहुत सारी प्रॉपर्टीज अटैच करने को थी शुरुआत में, उनको बेच के निकाला जा सकता था पैसा, उनको पैसा वापस किया गया। अब 2020 तक 8,31,108 इन्वेस्टर्स का करीब 204 करोड़ रुपए वापस किए जा चुके हैं। बहुत से लोगों के पैसे अभी भी रिकवरी फेज में हैं, अभी भी केस चल रहा है। और इन सब के अलावा मिस्टर निर्मल सिंह भांगू, जो कि सारे के सारे कंसर्न के, दिक्कत के, प्रॉब्लम के, फ्रॉड के, स्कैम के करता धरता थे, वो कहाँ थे? अब 2016 में इनको अरेस्ट कर लिया गया था। वेरी गुड, ग्रेट जॉब, क्योंकि कहा गया था ना कि अरेस्ट करना है, CBI जो पीछे पड़ गई थी। लेकिन पिछले चार साल में दिन कितने होते हैं? 365 × 4, और साथ में लीप ईयर होता है तो करीब 1461 दिन होते हैं, उसमें से 1170 दिन ये मोहाली के IV हॉस्पिटल में रहे हैं, 5 स्टार
बेड मिला हुआ है, रूम मिला हुआ है, मतलब करीब 80% टाइम जेल का एक्चुअली उन्होंने हॉस्पिटल में बिताया है। कहने को तो जेल में है, लेकिन अगर पैसे हैं आपके पास, हजारों करोड़ रुपए पैसे हैं ना, इतना पैसा तो अब पार्टी फंड में चला जाता है। लेकिन जो भी है, जिस पार्टी को भी दिए हैं, वो पार्टी ने पैसे लेके सर को हॉस्पिटल में रखा हुआ है। कहने को कागजों में वो जेल में है, सुप्रीम कोर्ट की बात भी मानी गई है, सीबीआई की तफ्तीश भी हुई थी, सेबी ने जो भी कहा था सब कुछ कहा गया है, किया भी गया है, पर जेल में नहीं है, मोहाली के आईवी हॉस्पिटल में। इसी बीच हमने एक और इन्वेस्टर से भी बात की जो कि पीएसीएल स्कैम में खुद फंसे थे। ये कॉन्वर्सेशन में थोड़ी डीप थी, चेक कीजिए, वैसे ये होना नहीं चाहिए। पीएसीएल का जो आपका एक्सपीरियंस था उसके बारे में जानना चाहता हूँ। 2012 या 13 मुझे डेट नहीं याद है, यही सन था जब मैंने ज्वाइनिंग किया था, और हमारे ही गांव के बगल में एक एजेंट थे, काफी अच्छे रैंक पर थे, काफी अच्छे पैसे भी निकल रहे थे, तो भाई पैसा किसको नहीं अट्रैक्ट करता है। और उस समय हमारा पढ़ाई भी चल रहा था, तो मुझे इस हिसाब से समझ में आया कि मैं पॉलिसी जो होता है किसी के घर महीने में एक बार जाना रहता है, अगर मैं 8-10 पॉलिसी करा लेता हूँ तो मेरा 2-3 हजार खर्चा निकल जाएगा मंथली, तो मेरा स्टडी का पढ़ाई थोड़ा करेक्ट चलता रहेगा। 8-9 महीना एक साल में काम किया होगा, और ऑलमोस्ट 4-5 लाख का बिजनेस भी किया था उसके दौरान, एफडी और आरडी मिलाकर। तो उसके बाद मैं अपना दूरियां बनाने लगा, क्योंकि मुझे थोड़ा एहसास हो गया था, देखो उसके दौरान मैं रिलेशन में आने जाने लगा, तो मुझे पता चला कि मेरे रिलेशन में भी 15-20 लाख का उसमें जैसे जा चुका है किसी और एजेंट के माध्यम से। उस पर जब मैं लेने गया अपने रिलेशन में, क्योंकि इन सब इंस्टीट्यूटों में लोग पहले अपने अपने लोगों को खोजते हैं, पॉलिसी इंश्योरेंस जो भी करना रहता है, तो इन सब के दौरान 1-1.5 साल के अंदर मुझे पता चला कि मेरे माध्यम से मेरे जो रिलेटिव है 15-20 लाख रुपए जा चुका है। उसके बाद मैं वहां से दूरिया बना लिया, 4-5 लाख मेरे माध्यम से गया था, बाकी अलग अलग एजेंट के माध्यम से गया था। और उसके बाद भी 2 साल तक लोग जबरदस्ती जो एजेंट होते हैं ना, जो जानबूझ कर जो काम कराते हैं, बड़े बड़े सीनियर, इनको लगता है बैकअप कर जाएगा, बैकअप कर जाएगा, लेकिन जो मार्केट गिर रहा है तो क्या कहाँ, मतलब कहाँ रुकेगा, कैसे नहीं पता। ये लोग कौन थे जिनसे आपने पैसा इन्वेस्ट करवाया? एक्चुअली क्या होता है, किसी भी कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट प्लान हो चाहे एमएलएम प्लान हो, इन सब में क्या होता है कि आप एक एजेंट बनते तो आप अपने रिलेटिव का पॉलिसी कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, आईडी लगाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर एक मतलब अपने नीचे टीम ग्रो करने का, एड करने के बाद वो लोग जो काम करते हैं तो उसका भी आपको कुछ इनकम जनरेट होता है। तो वो मैंने ऑलमोस्ट 10-12 लोगों को ऐड किया था। तो यार ऐसा नहीं हुआ राजू के जब आपने पैसा नहीं दे पा रहे थे आप, क्योंकि कंपनी बंद हो गई या केस पड़ गया जो भी है, तो लोगों ने कहा होगा कि यार हमें नहीं पता कंपनी का, तो तुम ही ने चुराए होंगे, क्या उन्होंने तुम पे तोहमत लगाई? ये बात आती है, लेकिन एक्चुअली मेरा क्या है कि थोड़ा सा मार्केट में ना है तो मैं समझा बुझा लेता हूँ, दूसरी बात की मेरा इमेज स्पेशल के मामले में काफी बेटर था। अच्छा, तो रिलेशन ज्यादा बोले नहीं। अब एक्चुअल में दिक्कत क्या है, सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है, और अगेन बहुत सारे वीडियोस में या बहुत सारे मीडिया में या खबरों में हम देखते हैं सिस्टम खराब है, मीडिया खराब है, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स का दिक्कत है, पुलिस, देन यू हैव पॉलिटिक्स, हर जगह करप्शन है, बट है भी तो, बट साथ में ये भी तो देखिए कि अपन लोग एज इन्वेस्टर्स हम इतने लालची क्यों हो जाते हैं? इंसान की फितरत है वैसे लालच करना, बट ये इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी नहीं आपको लगातार गारंटी के साथ रिटर्न दे सकता, कहाँ से देगा, उसकी गारंटी इंसान की नहीं है, 12.5% की गारंटी। पीएसीएल स्कैम एक जीता जाता एग्जांपल है, हमें इस स्कैम्स को होने से रोकना है, और किस तरह से रोकना है, खुद इस स्कैम में ना फंस के लालच में नहीं आना है, ना डरना है, ना पैसे की तरफ भागना है, ना ऑल ऑफ दैट, और जब पैसे की बात आती है ना तो इमोशंस को छोड़ देना है, सिंपल सा लॉजिक है, ऐसे स्कैम होने से कंप्लीटली खत्म हो सकते हैं। इस वीडियो को अगेन शेयर कीजिए, बताइए लोगों को तक, ताकि एटलीस्ट यहाँ पे क्लैरिटी आए। पीएसीएल स्कैम में अगर आप फंसे हैं, अगर आप किसी को जानते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है या कोई और स्कैम भी हुआ है, प्लीज़ उसके बारे में बताइए, ताकि हम और अवेयर कर सकें जितना पॉसिबल है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय।